अगर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो खुद को मकरूज होने से बचा लें। जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है ना, वो सुकून में नहीं रह सकता। कर्जा लेना कर्जा देना ये दोनों है एक शरीयत का मामला। इमाम आजम बकसद कर्जे दिया करते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्ज का 18 गुना। तो कर्ज देना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि कर्ज खा जाते हैं। लेना हो तो फोन करते हैं, अब भाई थोड़ा थोड़ी मदद कर दो यार, मैंने अभी पिछले दिनों रखा, अब वो जो आपने रखे ना दे दो। यकीन मानो यार, मैं आपके घर आकर दे जाऊंगा यार, जबान है जबान। अब ये ले तो गया, अब वो फोन कर, भाईजान 15 दिन हो गए या बस 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 वो तो यार बस किसी वजह से रह गया, बस बस आप फोन रखो मैं बस आपको बताता हूँ। अब ये बताता उसके बाद फोन ही फोन बज रहा है। फिर एक महीने के बाद फोन करो, अरे भाईजान दे दूंगा ना, खा थोड़ी जाऊंगा यार। आप तो यार अजीब आदमी है कि मेरे को आपको खाने वाला आदमी लगता हूँ। उधार मांगते वक्त आंखों से पानी निकल रहा था, पैसा वापस देते आंख से अंगारा निकल रहा है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस हालत में मर गया कि इस पर एक दिनार या एक दिरहम का कर्ज हो तो वो कर्ज उसकी नेकियों में से वसूल किया जाएगा, क्योंकि कयामत के रोज दिरहम और दिनार नहीं होंगे। तो आज अपना कर्ज अदा कर दें। कईयों ने बैंकों से कर्जे लिए हुए सूद भर रहे हैं, भाई दे दो यार, सूद पर कभी नहीं फलोगे। सूद से ना कारोबार बढ़ेगा, ना सूद से सुकून आएगा, ना सूद से कभी घर में चैन मिलेगा। खत्म करें ये कर्जा, उतार दें, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप देखिएगा कि सुकून की जिंदगी मुयसर होगी।